डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में कि दोस्तों क्या CRPF में पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, पेंशन मिलती है तो कैसी पेंशन मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, और कमेंट भी जरूर करना कि आपको और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें CRPF है क्या। देखिए दोस्तों, वास्तव में CRPF एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है जो कि जो है सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के ये डाउट्स होते हैं कि सर पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है। आमतौर पर लोग ऐसे कहते हैं दोस्तों, आमतौर पर आपने सुना होगा कि सभी यही कहते हैं कि जो है जो हमारी पुलिस फोर्स होती है इनमें पेंशन नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इनमें बिल्कुल पेंशन होती है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं फ्रेंड्स, 5 साल से ज़्यादा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पेंशन मिलती है। अब दोस्तों, लेकिन कैसी पेंशन मिलती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, CRPF में पेंशन मिलेगी और आपको NPS मिलेगी, यानी नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको जो है CRPF में पेंशन मिलती है। अब दोस्तों, NPS है क्या। दरअसल दोस्तों, NPS अगर आप जैसे आपकी जो सैलरी है उसमें से 10% आपका कट हो जाएगा, और इसमें 14% जो है इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार जोड़ती है, और इसी को जोड़ करके आपकी पेंशन बनती है। जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद आपको इसी में से पैसा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है NPS। ऐसा करता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि CRPF में पेंशन मिलती है नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल CRPF में पेंशन मिलेगी, लेकिन कैसी पेंशन मिलेगी, NPS न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं छोटे में, तब तक जय हिंद, जय भारत।